आप सुन रहे हैं अनुराग कुमार जीनियस की लिखी किताब आई लव हेट स्टोरी, मेरे यानी कृतिका के साथ, ओनली ऑन बुक ऑडियो। सुबह हो चुकी थी, बाढ़ का रौद्र रूप अभी भी जारी था। जंगल के बीच बाढ़ से दोनों तरफ से घिरा हुआ छोटा सा टापू था, जिस पर बाढ़ में बहकर आए कई लोग इधर उधर पड़े दिख रहे थे। सब बुरी तरह से मिट्टी में सने पुते थे। कौन जिंदा है, कौन मुर्दा है, कुछ पता नहीं चल रहा था। फिर एक शरीर में हरकत हुई, वह उठ बैठा। वह राधा मोहन था। हाथों से आंखें साफ की, कुछ पल सोचनी मुद्रा में बैठा रहा। एकाएक मस्तिष्क में रात वाली घटना स्मरण हो आई। उसे सब कुछ याद आता चला गया, कब बाढ़ आई, कैसे होटल बाढ़ के पानी में गिरा और सब कुछ। फिर जैसे ही उसे जगजीवन और उसकी पत्नी का ख्याल आया, वह बड़ी फुर्ती से उठ बैठा, चारों तरफ नजरें घुमाई। तभी कुछ और जिस्मों में हरकत हुई, यानी वहां और भी लोग जिंदा थे। वह जाकर सबको चेक करने लगा। यह कुदरत का करिश्मा ही था कि आधे घंटे में ही उसे जगजीवन व उसकी पत्नी जिंदा मिल गए। खुद के जीवित बचने पर तीनों के चेहरे पर खुशी तैरी, पर वो ज्यादा देर टिक नहीं सकी। वहां पर कई और भी थे जो मर चुके थे। मरने वालों में महिलाएं, बच्चे, पुरुष सभी थे। कुछ लाशें बाढ़ के पानी में तैरती दिख रही थी, जो इंसानों की भी थी और जानवरों की भी थी। कुछ कारें भी थी। सब लोग हंसी खुशी भोले बाबा के दर्शनों के लिए आए थे, पर मौत के क्रूर हाथों में फंस गए थे। वो लड़का राघव, राधा मोहन को एकाएक याद आया। हाँ, रात में तो होटल में हमारे साथ ही था। आओ ढूंढते हैं उसे। तीनों राघव को खोजने लगे। कुछ देर बाद मिट्टी में सना राघव खुद ही उनके सामने आ खड़ा हुआ। फिर सबने बाढ़ के पानी से खुद को थोड़ा सा साफ किया और वहीं किनारे पर ऊंचे स्थान पर बैठ गए। सब शांत थे। सामने बाढ़ का पानी था, बहती लाशें, कारें, मकानों के अवशेष थे। उस समय तो उनके आंसू भी निकल गए, जब एक बच्चे को बाढ़ के पानी में मदद की गुहार लगाते देखा। तीनों बुजुर्गों ने राघव की तरफ आशा से देखा। मुझे तैरना नहीं आता, राघव आंखों में आंसू भरकर दुखी स्वर में बोला। सबकी नजर बच्चे पर स्थिर थे, और बच्चा देखते ही देखते बाढ़ के पानी के साथ दूर चला गया।